जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी से मिले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं के कैंप जाएंगे राहुल या कश्मीरी हिंदुओं की समस्या उठाएंगे राहुल? पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों के हाथों चुन चुन कर मारे जा रहे कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे अपनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सरकारी नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित घाटी के बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्यपाल का प्रशासन इस जिद पर अड़ा हुआ है कि उन्हें घाटी के बाहर नहीं भेजा जाएगा, वे जहां हैं वहीं नौकरी करें। कश्मीरी हिंदुओं का एक प्रतिनिधि मंडल सांबा जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुआ और राहुल गांधी से मिला। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगती कैंप आकर कश्मीरी पंडितों का हाल खुद देखें। समझा जाता है कि श्रीनगर जाते हुए राहुल गांधी जगती कैंप जाकर अपने ही राज्य में विस्थापित कश्मीरियों से मुलाकात करेंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए सबने बात की है, उनसे उनको यही कहा है कि मतलब पंडितों के बारे में भी सोचना चाहिए और बाकी यही चीजें कही हैं। मिलके उनसे अच्छा लगा। अच्छा, बाकी कुछ जो पॉइंट्स आप बता सकते हैं जो आपने बात किया? पॉइंट्स यही है कि किलिंग हो रही है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की किलिंग हो रही है, उसके ऊपर फोकस करें। टारगेट किलिंग जाके ऑफिस में जाके मारा है राहुल भट्ट को, उसके बारे में फोकस करें। बाकी कश्मीरी पंडितों को उनके घर मिले कश्मीर में। जी, आप मिले थे आज राहुल गांधी जी? हाँ जी, मिले थे। हाँ, मिले थे। क्या आपने बातचीत की उनसे? बातचीत ये है कि एक्चुअली जो है कश्मीरी पंडितों की जो हालात है ना, वो बहुत खराब है वहाँ पर। दूसरा, वो मुलाजिम वगैरह शगैरह जितने भी हैं, दो चार महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको वहाँ जाने के लिए भी कह रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब 1990 में जब कश्मीरी यहाँ आए थे, उसके बाद और वहाँ हालात खराब हो गए थे। बाद में कुछ और भी आए थे यहाँ पर, तो उनका राशन कार्ड वगैरह शगैरह उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। जो टारगेट किलिंग हुई उसके बारे में बात की आपने? अभी जो लेटेस्ट टारगेट किलिंग हुई है? नहीं, उसके बारे में नहीं। मैंने यही कहा कि जो माइग्रेंट हुए हैं उसके बाद जो है उनका राशन वगैरह शगैरह नहीं मिल रहा है। बात उनसे यही हुई कि एक तो जो 6 महीने से जो कश्मीरी पंडितों की सैलरीज बंद है, उसके लिए उनका बोला गया कि उसके लिए कुछ ना कुछ करिए आप, तो उन्होंने इसको एश्योरेंस दिया कि हम उसका वो पक्का उनसे करेंगे। पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाएंगे कि क्यों इनका 6 महीने से सैलरीज बंद है। और दूसरा, जो जगती में जो क्वार्टर एक टाइम पे बने थे, उसके बाद उसमें कोई अपडेशन नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ डेलीगेशन भेजेंगे, वो चेक करेंगे कि उसमें क्यों इनको कितनी दिक्कतें आ रही है। वो जो टारगेट के लिए उसके बारे में भी बात हुई है, बिल्कुल खुल के बात हुई उनसे। उन्होंने कहा, हमने कहा टारगेटिंग किलिंग हो रही है, सिक्योरिटी का क्या इशू हो रहा था, उन्होंने कहा हम उसके लिए भी पार्लियामेंट में ये बात उठाएंगे। मिले आज राहुल गांधी जी? कितने लोग थे आपके डेलीगेशन? हमारे डेलीगेशन में सर डिफरेंट पार्टीज के थे, डिफरेंट ये एज ए कश्मीरी पंडित हम गए थे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये है, तो क्या बात क्या? सर हमने जो मोस्ट जो भी प्रेजेंट सिनेरियो कश्मीर में है, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का है, जो टारगेट किलिंग्स हो रही है वहाँ पे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, उनके इश्यूज हमने रेज किए। जो हमारे रिलीफ होल्डर्स हैं, उनका इश्यू हमने रेज किया। ओवरेज यूथ जो हैं, उनके इश्यूज हमने रेज किए सर। साल 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लगभग 4,000 कश्मीरियों को राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दी गई।
इस पैकेज के तहत 6,000 लोगों को नौकरी दी जानी थी और उनके रहने के लिए इतने ही घर बनाए जाने थे, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग यानी उन्हें चुन चुन कर मारने की वारदातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। 12 मई 2022 को राहुल भट्ट की बडगाम स्थित उनके ही दफ्तर में हुई हत्या के बाद कई कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जम्मू चले गए। ये लोग हड़ताल पर हैं और इनकी मांग है कि इन्हें घाटी के बाहर काम दिया जाए और बसाया जाए। इन कश्मीरी हिंदुओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर में वे मुसलमानों के साथ सदियों से रहते आए हैं, उनका खाना पीना, उनकी वेशभूषा, यहाँ तक कि उनके नाम तक एक समान है। उनके बीच डर का माहौल कभी नहीं था, लेकिन बीजेपी की नीतियों की वजह से उनके बीच खाई बन गई है।